हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ईशा प्रजापति, डेंटल सर्जन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको मसूड़ों में दर्द होता है तो दर्द होने के रीजंस क्या क्या होते हैं, उसके लिए आप घर पे ही क्या क्या होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर होम रेमेडी ट्राई ना करते हुए आपको आपके डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है। ये सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर मेरे वीडियोस देखते हैं बट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं गम्स में होने वाले पेन के रीजन के साथ। उसमें से सबसे पहला और मेन रीजन होता है कि अगर आपके दांतों की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है उस टाइम पे आपके गम्स और आपके टीथ की जो मार्जिन होती है वहां पर प्लाक और कैलकुलस जमा हो जाता है, जो धीरे धीरे आपके मसूड़ों के अंदर के साइड पे फैलता रहता है। इसकी वजह से भी आपको मसूड़ों में पेन हो सकता है। दूसरा रीजन है कि अगर आपके मसूड़ों पे किसी प्रकार के छाले हुए हैं जिसे कैंकर सॉर्स भी कहते हैं, उस रीजन की वजह से भी आपके मसूड़ों में दर्द हो सकता है। थर्ड रीजन है कि लेडीज में अगर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे, उस टाइम पे भी लेडीज में गम्स पेन की कंप्लेन देखी जाती है। फोर्थ रीजन है कि अगर आप बत्तीसी पहनते हैं और आपकी बत्तीसी बहुत ज्यादा टाइट है या बहुत ज्यादा लूज है तो दोनों ही केस में आपको गम्स में पेन की शक्यता हो सकती है। नेक्स्ट रीजन है कि अगर आपके टीथ लूज है तो आपके टीथ जो होते हैं वो आपके गम्स के अंदर प्रेस होते रहते हैं बोलने के टाइम, खाने के टाइम, तो उसकी वजह से भी आपको गम्स में पेन हो सकता है। नेक्स्ट रीजन है कि अगर आप टोबैको च्यू करते हैं, गुटखा खाते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो उसमें रहे निकोटीन की वजह से हमारे गम्स इरिटेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गम्स में पेन की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। नेक्स्ट रीजन है कि अगर आपको किसी दांत के रिलेशन में एब्सेस या पस हुआ है तो उस कारण से भी आपको गम्स में पेन हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा हार्श ब्रशिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके मसूड़ों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। सो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मेन रीजन जिसको मैंने कवर करने का ट्राई किया है कि जिसकी वजह से आपको आपके मसूड़ों में पेन की फीलिंग हो सकती है। अब बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज की जिससे ट्राई करके आप आपके गम्स के पेन में रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों, होम रेमेडी बताने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि होम रेमेडीज जो होते हैं वो हर एक केस में इफेक्टिव नहीं होते हैं। कुछ कुछ केसेस में आपको आपके डेंटिस्ट के या आपके डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवाना जरूरी होता है, और यही ट्रूथ है। सो सबसे पहले होम रेमेडी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको मसूड़ों में किसी भी प्रकार का पेन या सूजन है तो आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना है, उसके अंदर 2 बूंद हनी डाल दीजिए या फिर 2 बूंद मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए और उसका एक पेस्ट बना लीजिए। वो पेस्ट को आपको जहां पर पेन है वहां पर आपके मसूड़ों पे लगाना है, टीथ पे नहीं। आपको आपके मसूड़ों पे उसको लगाना है, हल्का सा मसाज करना है और उसे वहां पे 4 to 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। टर्मरिक में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से जब भी आपको गम्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है और आप इसका पेस्ट अप्लाई करते हैं तो आपको काफी आराम मिलता है। हमारा दूसरा एंड मोस्ट इफेक्टिव होम रेमेडी है सॉल्ट वाटर गार्गल्स। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मुझे पता है, बट वो सबसे ज्यादा और मोस्ट इफेक्टिव होम रेमेडी है सारे ही डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए। सो अगर आपको भी आपके मसूड़ों में किसी प्रकार की इरिटेशन है, पेन है, सूजन है तो आपको हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, बिल्कुल हल्का सा। उसमें आधा चम्मच नमक डालना है और उस पानी से अच्छे से कुल्ले करने हैं। वो पानी को आपको जहां पर भी पेन है उस साइड पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से वहां पे घुमाना है और फिर कुल्ला करना है। ऐसा दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। वो किसी प्रकार का डैमेज नहीं करता है बल्कि आपको पेन में रिलीफ देने में और आपकी जो भी सूजन होती है उसे कम करने में आपकी हेल्प करता है। हमारा थर्ड होम रेमेडी है टी बैग्स। जो टी बैग्स होते हैं या फिर जो ग्रीन टी होते हैं उसमें कुछ प्रकार के हर्ब्स भी रहते हैं, तो जब वो यूज हो जाते हैं तो जो यूज होने के बाद वो फूल जाते हैं, यानी कि जब गीले होते हैं उसे आप फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए, और जो ठंडे टी बैग्स होते हैं उसे आप आपके गम्स पे कोल्ड कंप्रेशन की तरह यूज कर सकते हैं। वो भी आपके गम्स के इरिटेशन को और आपके गम्स के पेन को दूर करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हमारा फोर्थ होम रेमेडी है कि आप किसी प्रकार का गम जेल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि गम टोन जेल है, हिमालया का हायोरा जेल है, या फिर जो भी गम पेंट्स आते हैं जिसमें भी थोड़ा बहुत एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज रहता है, वो सारे ही गम जेल आप आपके घर पे अपने गम्स के इरिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर आपको इसमें से कुछ भी यूज नहीं करना है तो आप प्लेन एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं, और इसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप प्लेन हनी लेके भी आपके मसूड़ों पे मसाज कर सकते हैं। इससे भी हमारे मसूड़ों को सूथिंग इफेक्ट मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ होम रेमेडी जो आप आपके घर पे ही मसूड़ों के पेन या इरिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर आपको होम रेमेडी ट्राई ना करके आपके डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। तो सबसे पहला होता है कि जब आप होम रेमेडी ट्राई करते हैं और आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता यूज करने के बाद भी अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो डेफिनेटली आपको आपके डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी है।
दूसरा है कि अगर आपके दांतों की क्लीनिंग नहीं होने की वजह से प्लाक या टार्टर की प्रॉब्लम है, उस टाइम पे अगर आपके मसूड़ों में पेन है या फिर आपको किसी दांत के रिलेशन में पस है और उसकी वजह से आपके मसूड़ों में पेन है, तो ये सारे ही केसेस में आपको होम रेमेडीज कुछ भी फायदा नहीं देने वाली है। उस केस में आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना जरूरी होता है। अगर किसी टीथ में एब्सेस है तो उसकी रिलेटेड रूट केनाल ट्रीटमेंट या उस एब्सेस को ड्रेन करना, या फिर वो दांत के रिलेटेड जो भी चेकअप और एक्सरे के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट रहेगा वो आपको सजेस्ट किया जाता है। और अगर प्लाक और टार्टर की प्रॉब्लम है आपको, तो उस टाइम पे आपके दांतों की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, रूट प्लानिंग जैसी ट्रीटमेंट की जा सकती है, जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे नील किया जा सके। और उसके बाद आप आपके घर पे ये सारी होम रेमेडीज में कोई भी एक होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं आपके मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखने के लिए। सो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में आपके गम्स में होने वाले पेन और उसके लिए होम रेमेडीज के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर ये थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक वीडियो के साथ। टिल दैट, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।